गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम आयुष अग्रवाल फ्रॉम विजयपथ डिफेंस एजुकेशन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंसेस। लास्ट टाइम हमने बात करी थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, आज हम बात करेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसके बारे में हर बच्चा बात करता है कि सर सबसे पहले ये पढ़ाओ। तो आज हम बात करेंगे टेंसेस की। अब टेंसेस क्या होते हैं, हमने क्या बात करी थी लास्ट टाइम कि कोई सेंटेंस होता है कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस होगा कैसे फॉर्म होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लाइक राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब चलो ठीक है, अब एक और सेंटेंस लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पर तीन सेंटेंस ले लिए, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेड क्रिकेट एंड राम विल प्ले क्रिकेट। अब यहां पर क्या हुआ, एक जो मैंने लगाया प्लेज, एक मैंने लगाया प्लेड, एक मैंने लगाया विल प्ले। क्या मतलब हुआ, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हुआ, ये हमारा सेंटेंस पास में हुआ और लास्ट वन हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी मैं सिंपल बोलूं फ्यूचर में हुआ। ठीक है, यानी कि कोई भी सेंटेंस है राम प्लेज क्रिकेट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से बनता है। बट वो सेंटेंस या वो सेंटेंस किस टाइम में है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये कौन बताता है, हमें टेंसेस बताता है। तो हम बेसिकली क्या बोलें कि टेंसेस क्या है, बेसिकली इट इज अ टाइम। टेंसेस क्या है, ये हमें एक सेंटेंस का टाइम बताते हैं कि वो एक्शन या वो सेंटेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। अब यानी कि टेंसेस के तीन फॉर्म्स हो गए फ्रेंड्स, हमारे टेंसेस तीन फॉर्म में है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, एक सेंटेंस जो अभी होता है मतलब कि प्रेजेंट में हो रहा है, एक जो पास्ट में हुआ उसको बोलेंगे पास्ट टेंस और जो फ्यूचर में होगा उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब इनके भी आगे चार सब टाइप्स है, वो क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारे हमने अभी तक बात करी कि तीन टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसके आगे चार सब टाइप्स हैं, सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तीनों में ही होते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट सिंपल टेंस एंड फ्यूचर सिंपल टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हम बेसिकली मैं बात करूं, ये काम करता है या मैं रोज स्कूल जाता हूं, वो स्कूल जाता है, वो रोज मेरे पास आता है, ये क्या है, जो सेंटेंस हम ऐसे बात करते हैं जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं हमारे कि रोजमर्रा की लाइफ में हम वो करते ही हैं। तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, या आई एम सॉरी, इन टेंसेस को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। तो हिंदी में कैसे बोलूं मैं इनको, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, ता ते ती जो हमारे स्टेप से खत्म होते हैं, वो आता है, वो आती है या वो आते हैं, तो ये सेंटेंसेस किस में है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अब इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब के साथ हमारे लगते हैं एस या ई एस, या फिर आपको काफी बुक्स में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस को बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और एस और ई एस सेम ही चीज होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया था, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो ये सेंटेंस किस में हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी दैट इज प्ले, एस और ई एस इसके साथ लगा दिया हमने, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट। बट ये एस और ई एस किसके साथ लगता है, अब हम इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। एस और ई एस हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगता है, हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट या किसी का नाम या फिर कोई थर्ड पर्सन। जैसे मैं बोलूं माय फादर गोज टू टेम्पल डेली, मेरे पिता रोज टेम्पल यानी मंदिर जाते हैं, तो मेरे फादर क्या हुए, एक थर्ड पर्सन हुए, ही गोज टू टेम्पल डेली, तो वो रोज टेम्पल जाता है, ये हमारे क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन हम इसमें यूज करें, ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम। तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, ये एस और ई एस, यानी कि आई, वी, यू या फिर दे, इनके साथ हम कभी भी एस और ई एस का यूज नहीं करते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लाइक फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम्पल लिया आई प्ले क्रिकेट और दूसरा ही प्लेज क्रिकेट। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हम एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी मैंने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसके साथ मैंने एस और ई एस का यूज नहीं किया है। पर दूसरे सेंटेंस में मैंने यूज किया है ही, जो क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड
S with the play. He plays cricket. I hope आपको समझ आया होगा S और ES का use कहाँ होता है, यानी कि सिर्फ singular third person के साथ. अब हम बात करेंगे इसके helping verb की. Friends, इसमें हमारे पास क्या होते हैं? दो helping verb होते हैं, do और does. Do, जैसे ये हम कहाँ use करेंगे? जब हम किसी sentence को, present indefinite tense को, हम negative sense में use करें या फिर किसी interrogative sentence में use करें, तब हमें helping verb की जरूरत होती है. कैसे? विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर एकमात्र ऐसा विश्वसनीय संस्थान है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध. वर्ष 2017 में सर्वाधिक सिलेक्शन 11th, 12th प्लस NDA, ग्रेजुएशन प्लस CDS, SSC, GD, कांस्टेबल, पटवारी, रेलवे, RPF, HPSSB, बैंकिंग, AFCAT, एयरमैन में सिलेक्शन के लिए आज ही ज्वाइन करें. विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर, अनुभवी टीचर्स द्वारा रिटन SSB इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी, वीकली कंपल्सरी टेस्ट, पर्सनल अटेंशन, रेडी स्टडी मटेरियल, सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एडमिशन ओपन, आज ही ज्वाइन करें. विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर, मोबाइल नंबर 9812-69053, 7018301042. फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर तीन सेंटेंस लिए हैं, डज ही प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. अब हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, डज, डू एंड डू, जो क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इनडेफिनेट में. पर डज कहाँ लगता है, अब डू कहाँ लगता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, एस और ईएस का यूज कहाँ पर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ. आप इसी को समझ लीजिए कि ये डू है ना, यही डज बन जाता है. कैसे, कि जब ही शी इट या फिर किसी पर्सन का नाम उसके साथ एस लगाते हैं ना, ये एस डू अपने पास ले लेता है, तो क्या बन जाता है, ये डस. और जब ये अपने पास ले लेता है, इसका मतलब कि ये प्लेज नहीं होगा, फिर उसके बाद ये प्ले ही रह जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका एस किसने ले लिया है, डू ने ले लिया है, और वो क्या बन गया है, डस. और जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में ले आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है. अब नॉर्मली इसको मैं क्या लिखूंगा, ही प्लेज क्रिकेट, बट अगर इसको क्वेश्चन में करना है तो मैं क्या कर दूंगा, डज ही प्ले क्रिकेट. डज क्यों, सिंगुलर थर्ड पर्सन था, इसका एस उसने ले लिया, बन गया डज. एंड डज ही प्ले क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहीं पर लग गई एंड हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग गया. सिमिलरली आई के साथ एस नहीं होता है, इसलिए डू का क्या रहा, डू रहा, डू आई प्ले क्रिकेट. और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, डू नॉट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ आया होगा. अब हम बात करेंगे कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूसेज कहाँ कहाँ होती है. सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखे हैं कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस का यूज करते हैं. पहला पढ़ते हैं हम हैबिचुअल एक्शन. हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, जो हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं. जैसे मैंने बोला, कोई बच्चा स्कूल रोज जाता है, चाइल्ड गोज टू स्कूल डेली, या बोलूं द स्टूडेंट गोज टू स्कूल डेली. देखिए, द स्टूडेंट गोज टू स्कूल डेली, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, इसलिए मैंने इसके साथ एस और ईएस का यूज किया है, यानी हो गया गोज. अब ये डेली का काम है, उसका हैबिट है, तो हम कब यूज, उसको कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट में. ठीक है, ये आपका हो गया हैबिचुअल एक्शन. अब दूसरा रूल, कमेंट्री एंड हेडलाइंस. कमेंट्री और हेडलाइंस क्या, कोई न्यूज़पेपर की आप हेडलाइंस देखते होंगे, किस में आती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है. क्रिकेट की आप कमेंट्री सुनते हैं, किस में आती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में देते हैं. जैसे कि कोई कमेंटेटर क्या बोलेगा, विराट कोहली स्ट्राइक्स द सिक्स, व्हाई इज ही सेइंग स्ट्राइक्स द सिक्स, जब वो ऑलरेडी सिक्स मार चुका है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रही है बात, इसलिए वो हर सेंटेंस कमेंट्री या कोई न्यूज़ हेडलाइन किस में आएगी, हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगी. नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, डेली के काम है और होते ही हैं, इसलिए इनको भी हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट में. नाउ नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये थोड़ा समझिए. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो स्टार्ट होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी साइंस लगे होते हैं जिनके आगे, जो कुछ एक्साइटमेंट दिखाते हैं. ठीक है, अब इनमें क्या होता है, एक एक्सेप्शन होती है, हेयर एंड देयर. कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हेयर और देयर से स्टार्ट होगी, उनके आगे कोई भी सेंटेंस होगा वो किस में आएगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट में आएगा. लाइक फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, हेयर कम्स द ट्रेन. अब ये सेंटेंस किस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और उसका स्टार्ट किस से है, हेयर से है, तो इसके आगे मैंने क्या कहा, किस में यूज होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट में आगे का सेंटेंस आएगा. तो कैसे आया, हेयर कम्स द ट्रेन, कम्स एस लगाया ट्रेन की वजह से, ट्रेन क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो मैंने क्या लगाया, एस. तो ऐसे सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से स्टार्ट होते हैं,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएंगे। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर से क्या समझते हैं? किसी पर्सन का कोई प्रोफेशन हो, फॉर एग्जाम्पल बार्बर, बार्बर कट्स द हेयर। अब बार्बर तो बाल ही काटता है। टीचर टीचेस, टीचर क्या पढ़ाता ही है, ठीक है। मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। तो प्रोफेशन के बारे में हम जब बताएंगे तो किस में बताएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। जैसे कि द बार्बर कट्स द हेयर, बार्बर क्या करता है? बाल काटता है। इसको हमने किस में रखा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब आगे बात करते हैं प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? कि कोई काम फ्यूचर में हमने प्लान कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी है, रिलीज हो रही है 5th of April को, तो हम क्या बोलते हैं? द मूवी विल रिलीज ऑन 5th of April, या बोलते हैं मूवी रिलीजेज ऑन 5th of April। मूवी एक्स वाई जेड कोई भी मूवी होगी, रिलीजेज ऑन 5th of April। है तो फ्यूचर का काम कि फ्यूचर में मूवी रिलीज होनी है, 5th of April को होनी है, बट कोई प्लान एक्शन इन फ्यूचर है तो हम उसको किस में रखते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट में। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मूवी रिलीजेज ऑन 5th of April। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, लास्ट चीज, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट कहाँ यूज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सपोज एक इंसान है, सपोज फ्रेंड ये एक इंसान है, इसके फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। बस बेचारे को बुलाया ही नहीं उन्होंने, ठीक है, गुस्सा है, अकड़ है, मैं जाऊंगा भी नहीं, क्यों जाऊं भाई, मेरे को बुलाया नहीं। यहां से उसका एक तीसरा फ्रेंड आता है, कहता है भाई तू क्यों नहीं जा रहा पार्टी में। ये कहता है उसने मुझे बुलाया नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा। तो बोलता है भाई मेरे साथ चलना। बोलेगा, ये बोलता है नहीं, अकड़ है मेरे अंदर, मैं क्यों जाऊं। बोलता है चल दे तो क्या होगा। बोलता है नहीं, मैं तब जाऊंगा जब वो मुझे बुलाएगा। क्या कहा मैंने? कि वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। पर फ्रेंड्स कभी भी इंग्लिश में हम ऐसे नहीं बात करते हैं, इंग्लिश बोलती है आप ऐसे कहेंगे, अगर वो मुझे बुलाता है तो मैं जाऊंगा। क्या कहा मैंने? अगर वो मुझे बुलाता है तो मैं जाऊंगा। यानी कि कभी भी दो सेंटेंसेस फ्यूचर में कभी नहीं आते। लाइक सो फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा? इफ यू विल कॉल मी देन आई विल गो। बट इंग्लिश क्या बोलती है? हम ऐसे नहीं बोलते कि अगर वो मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। इंग्लिश कहती है मैं बोलूंगा अगर वो मुझे बुलाता है तो मैं जाऊंगा। यानी कि इफ ही calls me then I will go। तो रूल क्या कहता है कि जो हमारा फर्स्ट काम क्या था? बुलाना। दूसरा काम क्या था? जाना। तो जो भी फर्स्ट काम होगा हम उसको रखेंगे प्रेजेंट में और दूसरे काम को रखेंगे फ्यूचर में। याद रखना, कभी भी आपको एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस आए कि दोनों फ्यूचर में दिए हों तो माई फ्रेंड वो गलत होता है। हम हमेशा फर्स्ट एक्शन को किस में रखते हैं? राइट, प्रेजेंट में, एंड सेकेंड एक्शन को किस में रखते हैं? फ्यूचर में। जैसे मैंने लिखा इफ ही कॉल्स मी देन आई विल गो, फर्स्ट एक्शन बुलाना यानी कॉलिंग करना। इफ ही कॉल्स मी, प्रेजेंट इनडेफिनेट, देन आई विल गो। ऑब्वियसली आपको पता है विल क्या होता है? फ्यूचर में लगता है। तो हमारा सेकेंड सेंटेंस किस में क्या? फ्यूचर में क्या? इफ ही कॉल्स मी देन आई विल गो। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट इनडेफिनेट का उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट तो साथ में क्या लगेगा? एस और ई एस, एंड देन ऑब्जेक्ट। और वो काम क्या होते हैं? हमारे हैबिचुअल काम थे। अब हम उन सेंटेंसेस की बात करेंगे जो हमारे डेली हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम बोलते हैं हिंदी में रहा है, रहे हैं, रही है, मतलब कोई काम हो रहा है। तो उस सेंटेंसेस को हम किस टेंस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। अब उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। आपको काफी सारी बुक्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही बात है। सो कोई मैं एक सेंटेंस लेता हूं। सो फ्रेंड्स मैंने यहां दो सेंटेंसेस लिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, He is playing cricket। ये दोनों सेंटेंस अभी हो रहे हैं, मतलब कि I क्या कर रहा है, यानी कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा? I am teaching English। वो बाहर क्रिकेट खेल रहा है, He is playing cricket, मतलब कि वो खेल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, अभी वो काम हो रहे हैं। तो उस टेंसेस को हम किस में रखते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, अभी आपको मैंने इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसमें हमारे पास क्या था? डू डस था, यहाँ पर हमारे पास क्या हेल्पिंग वर्ब्स? इज, एम, आर। तो इन सेंटेंसेस को अगर आपने नेगेटिव
या फिर आपने उनको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एज के साथ नॉट लगा देंगे या फिर इंटेरोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में ले आएंगे. लाइक तो यहाँ मैंने क्या सेंटेंस लिया, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. मैंने सिंपली क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में ले गया. जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या किया था, डू या डज को फ्रंट में ले गए थे, वैसे ही भी हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स के इज, एम एंड आर, तो उनको भी हमने क्या किया, फ्रंट पे ले गए. इज ही प्लेइंग क्रिकेट. और नेगेटिव करना होगा, जैसे वहां पर डज नॉट या डू नॉट किया था, यहां पर हमने क्या कर दिया, इज नॉट, एम नॉट या फिर आर नॉट कर देंगे सिंपली. अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंसेस का हम यूसेज कहाँ करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमारे पास इसके दो यूसेज हैं, एक है सिचुएशन चेंज और दूसरा है नियर फ्यूचर. हमने उस पर क्या बात करी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लान फ्यूचर में कोई काम कर, जैसे मैंने कहा था द मूवी रिलीजेज ऑन 5th of April, बट कोई काम हम नियर फ्यूचर में करने वाले हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. जैसे कि मैंने यह सेंटेंस लिया, आई एम गोइंग टू गिव पार्टी टुमारो, मैं क्या पार्टी देने वाला हूँ कल. नियर फ्यूचर में कोई काम करने वाला हूँ तो इस सेंटेंस को मैंने किस में रखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को. अब बात करते हैं सिचुएशन चेंज. सिचुएशन चेंज का मतलब क्या है, कि कोई चीज़ है उसकी सिचुएशन अब बढ़ रही है, घट रही है, चेंज हो रही है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट टाइम करें. विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर, अनुभवी टीचर्स द्वारा रिटन SSB इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी, वीकली कंपल्सरी टेस्ट, पर्सनल अटेंशन, रेडी स्टडी मटेरियल, सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एडमिशन ओपन, आज ही ज्वाइन करें विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर. मोबाइल नंबर 9817269053, 7018301042. सो फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिया, द वेदर इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर. अब यहाँ पर क्या है, सिचुएशन बदल रही है, वेदर कैसा हो रहा है, गर्म होता जा रहा है, उसकी सिचुएशन बढ़ती चेंज होती जा रही है, तो इस सेंटेंस को हमने किस में रखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में. द वेदर इज गेटिंग, वेदर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट, तो ये किस में हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो गया. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी है दो टेंसेस की, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या था, कोई काम हम रोज करते हैं, हैबिचुअल एक्शन, और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो क्या था, कोई काम हो रहा है. अब हम बात करेंगे तीसरे टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई काम पास में हुआ है बट अभी पास में ही हुआ है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की. फॉर एग्जांपल, मैं लूँ, मैंने अभी काम ख़त्म किया है, या मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, मैं अभी ये काम करके आया हूँ, अभी करके आया हूँ, वो काम हो गया है और वो पास्ट में हुआ है पर नियर पास्ट में, तो उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आई होप आपको पता होगा. एंड हैज हैव का यूज कहाँ होता है, वो भी आपका पता होगा कि हैज किसके साथ लगा एंड हैव किसके साथ लगा. फॉर एग्जाम्पल, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा. यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा. ही शी इट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा. सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, और बाकियों के साथ हैव लगता है. तो क्या कोई मैं आपको सेंटेंस लेता हूँ. सो फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, कि उसने काम खत्म कर लिया है, कोई काम है प्रेजेंट पास्ट में हुआ है, हो चुका है, तो हमने किस टेंस में रखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ही हैज कंप्लीटेड वर्क की थर्ड फॉर्म द वर्क, तो ये सेंटेंस किस में हुआ हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अब बात करते हैं इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे. सिंपल सी बात है, जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करके आ रहे हैं, अगर इंटेरोगेटिव में करना है तो यानी हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आइए, आप ऑब्वियसली फ्रंट पे ले आइए, और अगर नेगेटिव में करना है तो मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा लीजिए, नॉट लगा लीजिए. जैसे कि यहाँ मैंने दो सेंटेंसेस लिए, एक को मैंने इंटेरोगेटिव में रखा है और एक को मैंने नेगेटिव में रखा है. क्या किया, वही किया है जो मैं पहले करते आ रहा हूँ. वर्ब को मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में ले आया हूँ, हैज ही कंप्लीटेड द वर्क. और नेगेटिव करना है तो मैंने क्या लिखा, हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी यूसेज कहाँ करते हैं. कोई भी सेंटेंस होगा ना, किसी से स्टार्ट होगा दिस, दैट और इट से, और चलते चलते सेंटेंस आगे आपका ऑर्डिनल नंबर या फिर सुपरलेटिव डिग्री में खत्म होगा, तो उसके आगे का सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में.
पर अब आप सोचेंगे कि ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं और सुपरलेटिव नंबर सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, अब वो मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डिनल नंबर्स कुछ नहीं होते हैं, हम नॉर्मली बोलते हैं ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। आई एम नॉट सेइंग वन टू एंड थ्री, आई एम सेइंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, वो वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। और सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे मैं आप बोलूँ गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड्स। एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। तो कोई सेंटेंस दिस दैट इट से स्टार्ट हो, चलते चलते या तो ऑर्डिनल नंबर आ जाए या फिर सुपरलेटिव डिग्री लग जाए, तो उसके आगे का सेंटेंस किस में होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया है, दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। स्टार्ट किससे हुआ, दिस से, चलते चलते क्या आ गया, एक हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री आ गई, और उसके आगे हमने सेंटेंस किस में रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव एवर रेड, हैव लग गया, यानी कि किस में हो गया हमारा, obviously present perfect tense में। और ये read, read, read spelling same होती है पर इनकी forms अलग होती है, जब have के साथ है तो इसको हम पढ़ते हैं read, R-E-A-D, read, 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 यानी कि verb की third form क्या है यहाँ पर, read। This is the best book I have ever read। So friends, अभी तक हम तीन present tense पढ़ आए हैं, पहले simple present tense, दूसरा present continuous tense, तीसरा present perfect tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी और साथ में एस और ई एस लगा था, किस भी हाफ में, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर थर्ड पर्सन था। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या पढ़ा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, एस एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा था, आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को हम और क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेकंड थर्ड हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की क्या लगी, थर्ड फॉर्म लगी, एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करने हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ये हमारा प्रेजेंट टेंस का लास्ट सब टाइप है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस, अब हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, इसके पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, पर इसके साथ कुछ और ऐड भी हो जाता है, वो क्या है, सेंस एंड फॉर। सेंस एंड फॉर हम कब यूज करते हैं, ऑब्वियसली जब हम किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हो, जैसे फॉर द लास्ट थ्री आवर्स, सेंस मंडे। अब सेंस एंड फॉर का यूज कहाँ होता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। अनुभवी टीचर्स द्वारा रिटन एसएसबी इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी, वीकली कंपलसरी टेस्ट, पर्सनल अटेंशन, रेडी स्टडी मटेरियल, सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एडमिशन ओपन, आज ही ज्वाइन करें विजय पथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर, मोबाइल नंबर 9817269053 7018301042। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सेंस एंड फॉर की, सेंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ऑब्वियसली सेंस और फॉर टाइम को स्पेसिफाई करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, पर कैसा टाइम, अब इसके बारे में बात करते हैं। सेंस, जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हो, पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ टाइम, आई मीन जिस 7 o'clock, 6 o'clock, मंडे ट्यूजडे, इस टाइप से हो तो हम क्या यूज करेंगे, सेंस यूज करेंगे। और जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम हो, हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, आई मीन टाइम पीरियड पता है पर ये नहीं पता कब से स्टार्ट हुआ है, कब है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर लास्ट थ्री आवर्स, फॉर वन वीक, फॉर वन ईयर, इस टाइप से, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। और जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होगा तब हम क्या यूज करेंगे, सेंस। अब कोई भी सेंटेंस होगा, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कोई सेंटेंस होगा आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया होगा बट आगे क्या लग गया होगा, सेंस और फॉर, यानी कि आगे टाइम स्पेसिफाई हो जाए, जैसे फॉर लास्ट थ्री आवर्स, आई एम प्लेइंग फॉर लास्ट थ्री आवर्स। माई फ्रेंड्स, ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि जब भी टाइम आ जाएगा, जब भी कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम आ जाएगा, उस सेंटेंस को हम किस में रखते हैं, यस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ये एक इसका रूल है कि जब भी आप सेंस एंड फॉर का यूज करेंगे, यानी कि टाइम के बारे में बात करेंगे, तब आप कॉन्टिन्यूस टेंस को किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। जैसे कि, तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स लिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर थ्री आवर्स। अब मैं अगर यहाँ ऐसे लिख देता आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर थ्री आवर्स, गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि जब टाइम आ जाएगा फॉर थ्री आवर्स, उस केस में हम उस टेंस को किस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को, यानी कि हम उसको लिखेंगे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर थ्री आवर्स। यानी कि कहाँ यूज हो रहा है, कोई काम पास से शुरू हुआ और अब तक होता आ रहा है,
क्या कह रहा हूँ मैं, होता आ रहा है। जब भी कोई सेंटेंस आपको इस फॉर्म में लिखना हो कि मेरा काम पहले से शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है, किस में रखेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। अब इसको हम वही बात करते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में। तो मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेज लिए हैं, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स एंड आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। वही चीज़ की है मैंने और कुछ नहीं किया। हेल्पिंग वर्ब हैव को मैं फ्रंट में ले गया हूँ और जब मैंने नॉट लगाना है तो मैं हैव के साथ मैंने नॉट लगा दिया। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड सेंस फॉर, यानी कि टाइम मेंशन करना। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी तक हमने 4 टेंसेस पढ़ लिए हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट में मैंने क्या बात की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। सेकेंड कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बात की है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। थर्ड मैंने परफेक्ट की बात करी, हैज हैव के साथ मैंने क्या लगाया, यस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या लगाया, हैज हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड देन सेंस फॉर, जो टाइम के लिए यूज होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा खत्म होता है प्रेजेंट टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने बात करी प्रेजेंट टेंस की, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। इसमें भी वही 4 सब टाइप्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल जिसे हम कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पहले हम वही बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया है, ही प्लेड क्रिकेट। क्या हुआ यहाँ पर, मैंने वही सब्जेक्ट रखा, वर्ब रखा एंड ऑब्जेक्ट रखा, बट मैंने यहाँ वर्ब किस में कर दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कर दिया हुआ है। जब मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाऊंगा वो सेंटेंस किस में चल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अब हम इसकी बात करेंगे, इसको हम जब इंटरोगेटिव या नेगेटिव में बनाएंगे। अब हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करी थी तो हमने क्या बात करी थी, उस टाइम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो होते नहीं थे, तो हमने क्या कहा था, हमारे पास उस टाइम हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, डू एंड डज। अगर वर्ब की 3 फॉर्म्स हो तो हम क्या पढ़ते हैं, डू डेड एंड डन। सो यस, जब वहां पर डू था तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि क्या आएगा, डेड। तो मैंने यहां पर 2 सेंटेंसेस लिए, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड ही प्ले क्रिकेट। यस, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थे तो वहाँ हमने डू एंड डज यूज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ठीक है, तो जब हमें नेगेटिव सेंटेंस करना है तो हम डिड के साथ क्या लगा दिया हमने, नॉट, और जब हमें इसे इंटरोगेटिव करना है तो हम डिड को कहाँ लेके, फ्रंट में, डिड ही प्ले क्रिकेट। बट आपने एक बात नोटिस करी, जब मैंने डिड का यूज किया ना तो मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। हमने वहां पर क्या किया था, जब डू और डज लगाया था, ऑब्वियसली जब डू था तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती ही लगती है, बट जब डज था मैंने आपको कहा क्या कहा था कि वो एस कौन ले लेता है, डज ले लेता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जब डू एंड डज लग जाता है ना तो हम उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने वही किया है, जब डेड लग गया ना तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, फिर हमारा क्या यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होंगी, यानी कि ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ना कि प्लेड क्रिकेट, गलत हो जाएगा पेपर में करोगे तो क्या आएगा, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और इंटरोगेटिव में डिड ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इसके यूसेजेस मैंने आपको वहां क्या बताया था, कहाँ यूज करते हैं, हैबिचुअल एक्शंस, जो मोस्ट सिंपल हमने कहा था कि कोई भी हैबिट होती है उसको हम रोजमर्रा करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पर कोई ऐसी रोजमर्रा का कोई हमारी हैबिट जो पास्ट में होती थी, जैसे कि हम स्कूल जाया करते थे, अब तो नहीं जाते ना, अब हम बड़े हो गए, तो इस सेंटेंस को जो हमारी पास्ट हैबिट होती है उसको हम किस में रखेंगे, यस प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वी गो वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। और कहाँ यूज होता है, सो फ्रेंड्स मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ग्रामर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं यहाँ पर बात करूँगा एडवर्ब्स की, मैं बात करूँगा एडवर्ब ऑफ टाइम की, यानी कि क्या, कि जैसे कि हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, टाइम जो पास्ट में हुआ था होते हैं। जैसे कि कोई सेंटेंस आपके पास आ जाए, जैसे कि सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ 2 सेंटेंसेस लिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट लास्ट ईयर, आई प्लेड क्रिकेट लास्ट ईयर। अब मैंने यहाँ पर क्या लगाया, एडवर्ब ऑफ टाइम, कब, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। बट
जब भी ना आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम होगा ना, हम उस सेंटेंस को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट के किसी टेंस में नहीं रखते हैं, यानी कि गलत है। उस सेंटेंस को हम किस में रखते हैं? यस, पास्ट इनडेफिनिट में। आई प्लेड क्रिकेट लास्ट ईयर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एडवर्ब ऑफ टाइम लगा होगा उस सेंटेंस को हम किस में रखेंगे? पास्ट इनडेफिनिट में रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है चार टेंसेस की, प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट इनडेफिनिट। आज हम अपने लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आगे के टेंसेस की बात करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आयुष अग्रवाल, विजयपथ डिफेंस एजुकेशन से, थैंक यू।